बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से तकरार की खबरों के बीच अपने विधायकों और सांसदों की आज एक बड़ी बैठक बुलाई है। इन्हीं खबरों के बीच ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने बीते रविवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत भी की है। बता दें कि ये बातचीत की खबर इसलिए खास है क्योंकि जेडीयू नेता पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होने की बात से इनकार कर चुके हैं। बीते रविवार को राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी समेत कई बड़े नाम शामिल हुए थे। इस बैठक में बड़ी बात ये हुई कि इस मीटिंग से नीतीश कुमार गायब थे, जबकि खबरें हैं कि वह प्रदेश की राजधानी पटना में आयोजित दो कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। बिहार में तेज हुई सियासी हलचल के बीच बड़े फेरबदल की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की राहें भी अलग होने के आसार है। शनिवार को ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच जेडीयू से इस्तीफा भी दे दिया था। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।